इज अप एवरीवन, दिस इज मुकेश ओका गाइस, मुकेश नेडू एंड वी आर बैक विद अनदर वन। सो कल एक ऐसा ट्रैक निकला था जिसको हमें कल ही सुन लेना चाहिए था, बट ब्रो नो वन इज परफेक्ट ब्रो, सो होना ही था। ट्रैक का नाम है यंगस्टर। यंगस्टर ने अपना जो एल्बम है वो रिलीज कर दिया है, सेज ऑन द बीट के साथ उन्होंने पूरा एल्बम निकाला है। सो यंगस्टर एक्स सेज ऑन द बीट, मतलब वो दोनों पूरे एल्बम है और ये एल्बम का ही एक ट्रैक है जिसका ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो निकला है फीचरिंग रागा एंड ऑन कोर ब्रो एंड ऑल्सो दिल्ली बॉय, एंड एल्बम का नाम है मीन। सो ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो विदाउट फ्रेडू, लेट्स गेट राइट इन दिस वन मैन। 3 मिनट ब्रो, 3 मिनट का ट्रैक में सबको सुनेंगे ब्रो, कम ऑन नाउ, थोड़ा ज़्यादा दे देते भाई, थोड़ा ज़्यादा देते, बिकॉज आई लाइक ऑन कोर, आई लाइक रागा। यंगस्टर को मैंने बहुत कम सुना है, सो लेट्स चेक हिम आउट ब्रो, लेट्स गो। कुछ दोस्त थे, मकसद एक ही जैसा सोचते, सुनते मैक एंड रिकॉर्ड खोलते, सीखा नाच से, सीखा होप से, खास तरीके डेब्यू एल्बम मास अपील पे साथ सजील के गाने बना रहे हम, बनने के पहले से सीन के पहले से ऊपर है लीग। वो सजील इज सेज का नाम सजील है, बट आई लाइक दिस फ्लो ब्रो राइट फ्रॉम द गेट। थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया, टाइम वेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी, एंड ब्रो इज राइट एट इट ब्रो, हिज एट इट ब्रो, हिज एट इट, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, we'll get back, and Cole, Kendrick, Mac, Hov, then Nas, sabka naam liya, sab inspiration hai, let's go. कुछ दोस्त थे, मकसद एक ही जैसा सोचते, सुनते मैक एंड रिकॉर्ड खोलते, सीखा नाच से, सीखा होप से, खास तरीके डेब्यू एल्बम मास अपील पे साथ सजील के गाने बना रहे हम, बनने के पहले से सीन के पहले से ऊपर है लीग में, होना ही था कभी ना कभी तो होना ही था, बोला ही था मैंने तो पहले से, बोला ही था थोड़ा है क्या, थोड़ा भी ना कसर जरा सी भी छोड़ा ही ना, मैंने तो पहले से बोला ही था कभी ना कभी तो होना ही था। जेबा I'm coming for everything, yeah, कोई नहीं सेफ आज, use की चिंता नहीं, मेरे last two projects million के पार, मौज करे 500,000 की भीड़ में लौंडे मौज करे टूटेंगे एक आध, पहले शो के मिले थे 2500, पूछे अब तू लेगा कितने लाख, मैं लेता एक डील में जितने पूरे साल की पगार थी जब करता था 9 to 5, वक्त की बात है, वक्त अपने साथ बदल जाता टाइम टू टाइम, पैसा। ओ ब्रो ब्रो ब्रो, दिस इज इंस्पिरेशनल ब्रो, दिस इज इंस्पिरेशनल। हाँ, 2500 पहले शो के आते थे, अब पूछते कितने लाख लेगा ब्रो, ये जर्नी चाहिए सब, सारे आर्टिस्ट को ये जर्नी चाहिए, बट एफ ऑल दैट ब्रो, लुक एट दिस फ्लो, व्हाट इज दिस फ्लो यंगस्टर। एंड इस बंदे को मैं ज़्यादा सुना नहीं था ब्रो, यही होता है ब्रो, यही होता है, ये जो फेक हाइप मचाते हैं ना कुछ आर्टिस्टों को लेकर, इतना फेक हाइप मचाते हैं लोग कि इनको सुनो, यही असली हिप हॉप है, इनको सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, इनका ट्रैक आए तो सुनो, नहीं तो आप जाओ और बाकी सारे जॉनर के म्यूजिक सुनो। बट बहुत कम ऐसे लोग बोलेंगे कि नहीं इसको सुनो, इस बंदे को सुनो। इन लोगों का हसल भी उतने टाइम से है, लेकिन इन लोगों की वजह से जो सिर्फ ट्रेंडिंग ढूंढना चाहते हैं, लाइक डिस वगैरह जो कर दिया उसके पीछे लग पड़ते भाई पूरा कल्ट फैन बेस, उसके पास चाहे कुछ हो नहीं हो उसके पीछे पड़ जाते और बाकी सारे आर्टिस्टों को साइड में कर देते, जबकि बाकी सारे आर्टिस्ट क्वालिटी ट्रैक्स प्रोड्यूस करते। मिलियन के पार, मौज करे 500,000 की भीड़ में लौंडे मौज करे टूटेंगे एक आध, पहले शो के मिले थे 2500, पूछे अब तू लेगा कितने लाख, वो मैं लेता एक डील में जितने पूरे साल की पगार थी जब करता था 9 to 5, वक्त की बात है, वक्त अपने साथ बदल जाता टाइम टू टाइम, पहचान से बोले एल्बम टाइम है, डैनी टॉरेंस मेरा टाइम टू शाइन, बेटर देन योर टॉप 5 कंबाइंड, डैनी टॉरेंस इज माय टाइम टू शाइन, द शाइनिंग डैनी टॉर ब्रो, लवली ब्रो, लवली रेफरेंस, पहचान से बोले एल्बम टाइम है, डैनी टॉरेंस मेरा टाइम टू शाइन, बेटर देन योर टॉप 5 कंबाइंड, आई कीप इट अ 1+99 लिखो 100% सच सब, I keep it 100 bro, I keep it 100 bro, that's what he's saying bro, 1+99 and also usne bola kya bola, keep it shine, ha to tumhare top 5 rappers mila do to bhi mere sath bro, youngster you need to relax bro, you need to relax, you just you spitting just like J. Cole bro, jaisa J. Cole ne bola tha ki aapke hai top 10 rappers but mere liye wo hai golden corrals bro, like he is going to eat them up bro.
करते वक्त अपने साथ बदल जाता टाइम टू टाइम. फैजान सेस बोले एल्बम टाइम है डैनी टॉरेस मेरा टाइम टू शाइन. बेटर देन योर टॉप 5 कंबाइंड आई कीप इट अ 1+99 लिखो 100% सच सब पैतरे बताते साले वीडियो महंगी गाने वैक्से बनाते जो भी जिंदगी तेरी वो तेरे फैसले बनाते हैं जो कैलोन डिग्री का रैप सिनेमा के एक्ट नहीं दिखाते भोसड़ी के चैटे बजाते सैन में. ब्रो 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 ये ट्रांजिशन ब्रो कम ऑन नाउ एनकोर अगेन. मैंने पहले भी बोला था कि एक आर्टिस्ट से दूसरे आर्टिस्ट का जो ट्रांजिशन है उसके बीच में अगर आप यू नो हुक नहीं डालते या फिर ब्रिज नहीं डालते या फिर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं डाल रहे, इसका मतलब ये है कि दोनों आर्टिस्टों के वॉइस में सिमिलैरिटीज है, तो आप डिटैच नहीं हो जाओगे गानों से कि ओके ये मैं अभी ये सुन रहा था अभी इस पिच में इसको सुन रहा हूँ, डिटैच नहीं हो गए. सो इट इज़ गुड थिंकिंग ब्रो, गुड थिंकिंग. लोन लिया था उसको खत्म किया रैप के पैसों से ब्रो. तेरी वो तेरे फैसले बनाते हैं जो कैलोन डिग्री का रैप से कमा के एक्ट नहीं दिखाते भोसड़ी के चैंटे बजाते सैन में बिठा ले सारे भैया चैंपियन अब द फैंसीज अब अपने जस्ट चैंट है सवाल है हु इज द बेस्ट जवाब दे के एंड गुस्सा ले सुन ये बोले दैट आ में जो फ्रेंच जो पंच हो रहा है वो पंच कर रहा है टा डा 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 ब्रो कम ऑन चैंपियन अब द फैंसीज अब अपने जस्ट चैंट है सवाल है हु इज द बेस्ट जवाब अपने गैंग में गुस्सा ले सुन ये बोले आज दिल्ली चला रहा है ये या दिल्ली चला रहा है वो कौन कर रहे थे बॉलीवुड पॉप हम फक बॉलीवुड वाले गाने बना रहे थे क्योंकि इंडस्ट्री का म्यूजिक ब्रो हिट इज ब्रो हिट इज आई एम कॉलिंग दिस आउट ब्रो आई एम इंस्टिगेटिंग से व्हाटएवर यू वांट ब्रो हिट इज रफ्तार ब्रो दैट्स इट ब्रो हिट इज रफ्तार ब्रो हिट इज रफ्तार स्ट्रेट ब्रो स्ट्रेट वेयर इज माय वाटर बॉटल ब्रो वेयर इज माय वाटर बॉटल ब्रो इज नॉट हियर ब्रो दफ He dish raftar bro, that's it bro. Encore, dish raftar, straight. Ye banate the Bollywood pop bro. I'm gonna say anything bro, I'm instigating bro. Blame it all me. चला रहा है वो ये कर रहे थे बॉलीवुड पॉप हम फक बॉलीवुड वाले गाने बना रहे थे क्योंकि इंडस्ट्री का म्यूजिक था सेम इंडस्ट्री हम अपनी यहाँ खुद की बना रहे थे हम अपने गानों से पिक्चर बना रहे थे जब ये बस पिक्चर के गाने बना रहे थे तीन चार सात कैन फक ऑल द रेस्ट 5 मिनट मेरे साथ में एंड दैट्स ऑल यू गेट मुझे बोल तू है बेस्ट मत बोल ऑल द बेस्ट फिर जी वाला फ्लेक्स आए इट्स ऑन द टेक्स्ट या मुझे बस बोल यू आर द बेस्ट मुझे मत बोल ऑल आर द बेस्ट ऑल मुझे मत बोल ऑल द बेस्ट ब्रो मुझे सिर्फ बोल यू द बेस्ट ब्रो मेरे साथ में दैट्स ऑल यू गेट मुझे बोल तू है बेस्ट मत बोल ऑल द बेस्ट फिर जी वाला फ्लेक्स आए इट्स ऑल द टेक्स्ट या हिट ऑल यू कैन या बंदी है चिपके जैसे बेताल की बहन करूं बेफालतू पैसों में बेकाबू ब्लेस बहुत बेताबू यस ये राजधानी वाला फ्लेक्स शीश यंगी के साथ आई एम बैक बिच राग अगर आ गया तो दैट्स इट हलक में हाथ देखा 6 इंच ये लक्ष्मी नगर वाली सेटिंग सुनो से कितने ने रैपर है गेम में हम लिटरली सीन के लिए ब्लैक सिंगर वो बोली तो हो गया फेमस मैं बोला ये पहले से होना ही था अभी रागा का आना बाकी है भाई फैमिली टाइज ब्रो दिस इज फैमिली टाइज दिस इज लाइक केंड्रिक लमार बेबी किम फैमिली टाइज ब्रो नॉट लेटिंग अस ब्रीथ बट यहाँ पे थोड़ा सा वो हुक रखा बिकॉज रागा का वॉइस आपको पता है ब्रो ये सबसे डिफरेंट होता है रागा का वॉइस इसीलिए क्योंकि इतना डिफरेंट है इसीलिए थोड़ा सा ब्रीथ करने के लिए टाइम दिया हमें हुक डाला यहाँ पे बीच में बट ऑनकोर वेंट क्रेजी ब्रो ऑनकोर वेंट क्रेजी और उसने रफ्तार को डिस किया उसने बोला कि कोई भी 2-3 लोग मेरे यार है बाकी सब यू नो एफ देम ब्रो आई डोंट केयर अबाउट देम बट आई रन दिल्ली ब्रो दैट्स इट ब्रो दिल्ली हिप हॉप सीन आई रन ब्रो लेट्स गो तो हो गया फेमस मैं बोला ये पहले से होना ही था कभी ना कभी तो होना ही था बोला ही था मैंने तो पहले से बोला ही था सीधे मौत थोड़ा भी ना कसर जरा सी भी छोड़ा ही ना मैंने तो पहले से बोला ही था कभी ना कभी तो होना ही था 2014 में कोई भी नहीं था बना रहे थे सीन ब्रो इसका आवाज सुनता हूं तो मेरे को मतलब ये ऑर्गेज्मिक वाला फील आ जाता है ब्रो व्हाई इज दिस ब्रो रागा यू नीड टू रिलैक्स ब्रो यू नीड टू रिलैक्स विद दिस वॉइस था कभी ना कभी तो होना ही था 2014 में कोई भी नहीं था बना रहे थे सीन तो कोई नहीं दिखा सुनो बना डाला सोचे बिना तेरा फेवरेट आर्टिस्ट तभी कोने में था साला पॉन बेटा पी रहा था छोटी सी लुल्ली में बोनर नहीं था कोई भी नहीं बोला कि हुनर दिखा फिर भी खुद अपना पैशन एक खोजा ही था पहले मेरा बाप बोला फालतू ये काम छोड़ पैसा कमा मैंने बोला बाप को भी पैर ही पोना मैंने देखा ख्वाब तो ये है भी मेरा है भी बड़ा पर यू हैव टू मेक चॉइसेस ब्रो यू हैव टू मेक सम हार्ड चॉइसेस ब्रो क्योंकि आप ये आपका लाइफ है आपका एक ड्रीम है आपको वो ड्रीम पूरा करना है यू हैव टू ब्रो आपका अगर वो पैशन वो स्ट्रांग है इतना स्ट्रांग है यू यू
अ विलिंग टू लेट गो ऑफ सर्टन पीपल जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, देन भाई आप सच में कुछ कर गुजरने वाले हो उस चीज़ पे। आई एम टेलिंग यू ब्रो, आई एम टेलिंग यू। पैसा कमा मैंने बोला बाप को भी पैरी पोना, मैंने देखा खाप तो ये है भी मेरा, है भी बड़ा पर मैं था सर फेरा तभी हासिल करा काम, है भी मेरा है भी ब्रो, कम ऑन नाउ ब्रो, पोना मैंने देखा खाप तो ये है भी मेरा, है भी बड़ा पर मैं था सर फेरा तभी हासिल करा, काबिल बना अपनी कला में कामिल बना, महफिल में शामिल हूँ यंगे की लेवल मेरा जैसे बादल बना, हम पहले अफवाहों से ना बातें तूफानी से लाभ कहानी सुना दी जुबानी तू कौन बता, जाहिले आदि आबादी हमको बता दी के कौन बैठा हुआ कहाँ और किस पे है क्या किस किस्म। Bro, he called it out, bro. He called it out. मैंने अभी अभी आपको अभी अभी बोला, यंगस्टर का जब वर्ड चला था मैंने तब बोला कि ये जो हिप हॉप लिसनर्स है ये आपको भटकाते हैं, ये आपको भटकाते हैं, आपको बोलते हैं ये दो तीन आर्टिस्ट है जो ट्रेंडिंग है और ये अच्छे गाने डालते हैं, ये रिप्ले वैल्यू इनके ट्रैक का अच्छा होता है, आप सिर्फ इनको सुनो, आप वक्त ज़ाया मत करो। ये हिप हॉप ऑडियंस है भाई, ये हिप हॉप ऑडियंस है। एंड आई एम टेलिंग यू ब्रो, मेरे कॉमेंट सेक्शन में भी एक ही आर्टिस्ट के 10-20 मतलब रिक्वेस्ट आएंगे कि इसका चेकआउट करो इसको, भाई हमने उसका अभी किया है, हम दूसरे आर्टिस्टों को चेकआउट कर ले, आप असली हिप हॉप ऑडियंस हो राइट, तो फिर एक आर्टिस्ट के लिए आप इतना क्यों हो रहे हो, आप दो आप कुछ और सुनते हो, किसी और आर्टिस्ट को सुनते हो कि नहीं सुनते हो, अगर आप किसी और आर्टिस्ट को नहीं सुनते हो तो आप अपने आप को हिप हॉप फैन मत बोलो। जाहिले आदि आबादी हमको बता दी के कौन है बैठा हुआ कहाँ और किस पे है क्या किस किस्म का है तुम इंसान, अगर ना कुछ मैजिक आज लिखाई है डी वॉइस की है एडिक वाइब भर पाई डिजाइनर डाले जैकेट चाहिए जिधर पाए वो फैन हो जाए ट्रैफिक, रागा बोला है ये एल्बम मेरी इलमैटिक लौंडे होते साइंसर होते मिसमैनेज तो रागा सही बोल रहा है, बोल रागा सही बोल रहा है, दिस अभी एल्बम को अभी तो हमें सुनना है, मीन एल्बम को सुनना है अभी, बट ये ट्रैक ब्रो दिस ट्रैक इज क्रेजी ब्रो, एंड शाउट आउट टू सेज ऑन द बीट जो वाइब बना रहा है सेज, जो वाइब बना रहा है सजील, वो फैन हो जाए ट्रैफिक, लगा बोला है ये एल्बम मेरी इलमैटिक लौंडे होते साइंसर होते मिसमैनेज 2009 से मैन आई हैव बीन एट इट एंड आई एम स्टिल स्नैपिंग रैपर स्टिल कैपिंग है कुछ भी लिख के कुछ भी लौंडे होते साइन एंड स्टिल दे आर मिसमैनेज्ड ब्रो, उफ 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 tough lines bro, tough lines man is 2009 se man I've been at it and I'm still snapping rapper still capping hai kuch bhi likh ke kuch bhi bole sikha maine mushkilon se un dinon mein fuck these controversies ab na kaam milata hame surkhiyon mein vishnu dev na chau chak ungliyon pe hone change tere top 3 dekhe saaf sab ki hypocrisy no room in the team for your mediocrity aur kabhi thoda hota stress to chalata chote mein bhar ke aushadhi rasta ye pehla aur aakhri lat mari knock औषधि ब्रो औषधि, ओ माय गॉड, नचाऊ चक उंगलियों पे होने चेंज तेरे टॉप 3 देखे साफ सब की हिपोक्रेसी नो रूम इन द टीम फॉर योर मीडियोक्रिटी और कभी थोड़ा होता स्ट्रेस तो चला था छोटे में भर के औषधि रास्ता ये पहला और आखिरी लात मारी नौकरी चले मेरे काम की मोनोपोली लगे लॉटरी लगे रॉबरी करूं लास्ट स्ट्रेट टू द बैंक इट्स अ कॉमेडी ग्रोन मैन वी इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी करा चो लगे ये है लॉटरी लगे जैसे रॉबरी आई लाफ एट द बैंक oh my god bro just to chala ta chote mein bhar ke aushadhi rasta ye pehla aur aakhri lat mari naukri chale mere kaam ki monopoly lage lottery lage robbery karu last straight to the bank it's a comedy grown men we invest in property kara jo bhi tha bola ye prophecy hona hi tha kabhi na kabhi to hona hi tha bola hi tha bola hi maine to pehle se bola hi tha thoda hai kya thoda bhi na kasar zara si bhi choda hi na maine to pehle se bola hi tha kabhi na kabhi to hona hi tha डन ब्रो इज डन ब्रो इज डन ओके एंडिंग बहुत ही अब्रप्ट हुआ एंडिंग बहुत ही अब्रप्ट हुआ उसको थोड़ा सा आप ईज आउट करते तो अच्छा होता है एंडिंग बहुत ज़्यादा अब्रप्ट हुआ ब्रो व्हाट वाज दैट ब्रो बट गाइस ओ माय गॉड नथिंग एल्स टू से ब्रो नथिंग एल्स टू से थ्रू आउट द वीडियो मैंने बोला सेज ऑन द बीट ने बहुत अच्छा एक समा बांधा यंगस्टर भाई फायर है बंदे ये तीनों के तीनों बंदे फायर है ब्रो यंगस्टर किल्ड इट ब्रो दो वर्ड्स थे यंगस्टर के और हुक भी शायद यंगस्टर का ही था या फिर दिल्ली बॉय का था आई डोंट नो आई थिंक दिल्ली बॉय का हुक था बट यंगस्टर भाई ही किल्ड इट ब्रो ही किल्ड बोथ द वर्सेस ऑनकोर ने अपना वर्स किल किया लाइक ऑनकोर दिल्ली के हिप हॉप सीन के बेताज बादशाह ये प्रूव करना उनके वर्स का मकसद था और रागा तो भाई ही वेंट ऑल क्रेजी ब्रो ही वेंट ऑल क्रेजी होना ही था यंगस्टर सेज ऑन द बीट फीचरिंग रागा ऑनकोर एपीजे दिल्ली बॉय एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दिस एल्बम मीन एंड अगर आप सच में असली हिप हॉप ऑडियंस हो तो आप इस वीडियो को प्यार दिखाओगे और कमेंट सेक्शन में आप इस एल्बम के ट्रैक्स मुझे सजेस्ट करोगे अगर नहीं हो तो नहीं हो एक्सेप्ट दैट
गाइज लेट मी द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपके फेवरेट ट्रैक फ्रॉम दिस एल्बम एंड आपको ये ट्रैक कैसा लगा स्पेशली, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।